हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपनी जो बाइक है ना उसकी हार्ट जो है, जो इंजन है, उसकी लाइफ जो है इंक्रीज कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म में जो खर्चे आते हैं ना, बड़े बड़े जो खर्चे आते हैं, 4-5 साल के बाद में लगता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चे दे रही है, इसकी वजह से सेल कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि ये जो पांच टिप्स है ना आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी भी है इसको फॉलो करना, बस टाइम टाइम आपको जो चीज़ करनी है बता रहा हूँ वो आप करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में जरूर दबाएगा ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं आपके लिए टाइम टाइम बना सके। दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सर्विस इंटरवल एंड सर्विस रिप्लेसमेंट। दोस्तों सर्विस इंटरवल क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कि आपको सर्विस करवा लेनी चाहिए। देखिए वो इंजन ऑयल पर डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ बाकी पार्ट्स को भी सर्विस चाहिए होती है। कई बार सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करना ही सर्विस नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 6 मंथ का ड्यूरेशन है, अगर आप 6 मंथ रख रहे हैं, नॉर्मली 6 मंथ रख के सर्विस करवा लिया करिए, क्योंकि क्या होता है कि 6 मंथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप वेदर जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इंजन ऑयल जो है आपने कुछ ना कुछ राइड किया होता है। तो अगर आपकी राइडिंग ज़्यादा नहीं है तो टाइम को फॉलो करिए, अगर आपकी राइडिंग ज़्यादा है तो जो किलोमीटर है उसको फॉलो करिए। देखिए अगर आपने इंजन ऑयल के पॉइंट पर भी आएंगे, वो इंजन ऑयल के पॉइंट का वर्ड अभी आगे वाले पॉइंट में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुआ सर्विस इंटरवल, सर्विस अगर टाइम पर कराते हैं इंजन की लाइफ प्रॉपर होगी। एंड सेकंड जो है सर्विस रिप्लेसमेंट। दोस्तों सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है ना, उसका एक सर्विस इंडेक्स होता है आपके यूज़र मैनुअल में, किलोमीटर्स के हिसाब से वो पूरा डिटेल दिया हुआ है, कौन सी चीज़ इंस्पेक्शन होनी चाहिए और कौन सी चीज़ रिप्लेस होनी चाहिए और कौन सी चीज़ एडजस्ट होनी चाहिए वो दिया रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर टाइम निकालेंगे ना, मुश्किल से सर्विस कराने से पहले 5 मिनट पहले, या फिर आप कभी भी इसको देखेंगे एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्या होता है उस पार्ट की भी लाइफ होती है, तो उसके हिसाब से वो अप्रॉक्स टेंटेटिव दिया होता है कि उस पार्ट को चेंज कर देना चाहिए टाइम टाइम, ठीक है, या तो इंस्पेक्शन करके चेंज कर देना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा। और सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ जो हार्ट का जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, दैट इज़ इंजन ऑयल। सेकेंड जो पॉइंट है वो इंजन ऑयल है। दोस्तों इंजन ऑयल अगर आप बेस्ट यूज़ करते हैं, टॉप ग्रेड यूज़ करते हैं, ओरिजिनल यूज़ करते हैं, आजकल ओरिजिनल वर्ड को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ओरिजिनल आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, तो उसको अगर आप ऑथेंटिक वे में लेंगे, मतलब राइट सोर्स से लेंगे ना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपकी बाइक, ठीक है, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 300 cc, 350 cc उससे प्लस जा रही है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सेमी सिंथेटिक ही डालिए, बेटर रहेगा। अगर आपको नॉर्मल राइड है तो, नॉर्मल राइड मतलब सिटी राइड करते हैं, छोड़ो कभी भी हाईवे पे चले गए, कभी ऑफिस पे डेली डेली आना जाना है, मतलब आना जाना ऑफिस करते हैं, तो ये रहेगा तो आप इसमें सेमी सिंथेटिक डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एवरी 4 to 5000 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप टूरिंग ट्रिपिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप मंथ में 2 बार 3 बार अगर टूरिंग ट्रिपिंग करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि फुल्ली सिंथेटिक आप इंजन ऑयल यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कंपनीज जो हैं वो डेली यूज़ के हिसाब से ही उसमें ग्रेड्स मेंशन करती हैं, जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल ग्रेड्स होते हैं वो ही करती हैं, बट उससे आप हायर ग्रेड जो है आप यूज़ कर सकते हो, कंपनी वहाँ मेंशन भी करती है कि उससे आप हायर ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए कि इंजन ऑयल जो है वो ओरिजिनल है। दोस्तों मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है कि डुप्लीकेट इंजन ऑयल की वजह से जल्दी जो है इंजन ऑयल ब्लैक पड़ जाता है और वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता एंड आपके इंजन की जो लाइफ है उससे रिड्यूस होती है। तो सर्विस इंटरवल याद रखिएगा, अगर आपने फुली सिंथेटिक लगाया हुआ तो 6000-7000 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द इंजन सर्विस, एक अगेन वो है ऑयल फिल्टर क्लीनिंग। दोस्तों ऑयल फिल्टर क्लीनिंग ना बहुत लोग अवॉइड करते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सर्वेस जब होते हैं इंजन लाइफ को लेके, तो उसमें देखा जाता है कि जो ऑयल जो फिल्टर है वो टाइम टाइम चेंज नहीं किया जाता। दोस्तों जो ऑयल फिल्टर होता है उसका जो मटेरियल होता है, कई बार वो पेपर मटेरियल होता है बाइक्स में, खासतौर से कई बार सिंगल फिल्टर आते हैं, कई बार डबल फिल्टर्स भी आते हैं, जैसे बुलेट में आप देखेंगे बॉटम साइड में भी एक छोटा सा फिल्टर आता है एंड एक पेपर मटेरियल का फिल्टर अपर राइट हैंड साइड के भी पार्ट में आता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको एवरी जब आप सर्विस करवा रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं,
तो आपको वो जो फिल्टर है वो चेंज कर देना चाहिए, बेस्ट रहता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो हैं वो इंजन में बनते रहते हैं। जो नीचे का मैग्नेट होता है उसको एक बार इंस्पेक्शन जरूर कर लेगा कि उस मैग्नेट में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स आ रहा है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कोई ना कोई पार्ट जो है आपका ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो उसको आप इंस्पेक्शन जरूर करिए। एंड जो ऑयल फिल्टर है उसको रिप्लेस कर दीजिए एवरी इंजन ऑयल के साथ में। दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, अगेन रिलेटेड टू द सर्विस है, बट ये बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं दोस्तों, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि वॉल्व के एडजस्टमेंट आती है, क्लच के एडजस्टमेंट आती है, वॉल्व के एडजस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड की जाती है। सर्विस इंटरवल में आप देखिए, एक सर्विस जो इंडेक्स होता है उसमें आप देखेंगे तो कई बार वॉल्व की जो गैप होता है उसको मेंटेन करना होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो इंजन नॉइज जो है वो इफेक्ट करता है, इंजन नॉइज के बाद में वो इंजन की लाइफ में भी इफेक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा कि सिंगल सिलेंडर फोर वॉल्व फोर स्ट्रोक ऐसे लिखा जाता है, तो वो वॉल्व्स होते हैं, तो वॉल्व की जो गैप्स होते हैं उसको मेंटेन करना होता है, हेड ओपन, वो इंजन का जो हेड होता है उसको ओपन करके उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, बट वो नहीं की जाती है, ठीक है। क्योंकि जो बोलते हैं ना स्किल जो मैकेनिक्स होते हैं वो सर्विस सेंटर पे नहीं मिल पाते हैं, एंड आप लोगों को आइडिया नहीं होता, इसलिए आप वो टाइम टाइम कराते नहीं, उससे इंजन की लाइफ इफेक्ट होती है टोटली। एंड क्लच के एडजस्टमेंट, आपकी गियर स्मूथली लगे, आपको राइड जो है वो मतलब ज़्यादा दबी दबी ना हो, तो उसकी क्लच की भी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये दो एडजस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो करवाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट में आता है आपका राइडिंग स्टाइल। दोस्तों राइडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंजन को ओवरहीट नहीं होने देना है। अगर आप रफ राइड करते हैं इंजन ओवरहीट होता है, अगर आप ज़्यादा हाई आरपीएम पर राइड कर रहे हैं, गियर को टाइमली चेंज नहीं कर रहे हैं, जो गियर का इंडेक्स होता है ना, मतलब कि कौन से गियर में कौन सी स्पीड होनी चाहिए, अगर आप वो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इंजन ओवरहीट होना शुरू होता है, उससे इंजन की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो धीरे 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 वो घिसने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगेन बोल रहा हूँ, एक चीज़ सिंपल सा फॉलो करिए कि जो गियर की जो स्पीड है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि एकदम एग्जैक्ट ही करिए, थोड़ा बहुत ट्राई करिए कि ट्राई कर मतलब एक अगर आप एक डेढ़ महीना वैसे ट्राई करके कर लेंगे ना, तो खुद ब खुद आपकी हैबिट हो जाएगी, एंड आपको एक अच्छी एवरेज भी मिलेगी, और इंजन की जो लाइफ है वो इंक्रीज भी होगी, और लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस आती है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपकी राइडिंग स्टाइल से ना तीन चार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और आपकी बाइक की अगर माइलेज अच्छी है तो इट मीन्स आपकी बाइक परफेक्ट है, मतलब आप सही से गियर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्लच सही से दबा रहे हैं, ब्रेकिंग सही से यूज़ कर रहे हैं, इंजन भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है आपके राइडिंग स्टाइल पे। तो देखा आपने कि ये पांच पॉइंट जो हैं, वैसे तो हमको मालूम होते हैं, आपको कई पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने कई कई वीडियो में बोले होंगे, बट याद भी होगा, बट कई बार हम फॉलो नहीं करते, तो स्टार्ट फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपकी इंजन जो है, आपकी बाइक जो है, उसे थोड़ा सा प्यार अगर आप करते हैं तो ये जो लॉन्ग टर्म जो खर्चे हैं, जो लॉन्ग टर्म की बाइक चले वो रहना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फिर भी कोई डाउट एंड क्वारी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, वहाँ पे जाकर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वहाँ पे जाकर हमें फॉलो करते हैं, फेसबुक में भी पेज है वहाँ पे भी फॉलो करते हैं, और यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।